डूंगरपुर जिले के भिलूड़ा गांव में बारिश की भविष्यवाणी को लेकर सदियों से चली आ रही अनूठी हरिया परंपरा का निर्वहन करते हुए अगले साल वर्षा योग का पूर्वानुमान लगाया गया। आपको बता दें कि परंपरा के तहत आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन चार माह के नाम पानी से भरे मिट्टी के घड़ों पर लिखकर लकड़ी के बने टी आकार के हरिया पर फोड़कर आगामी वर्ष के मानसून का आंकलन किया जाता है। इस हरिया परंपरा को देखने और बारिश की भविष्यवाणी सुनने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं और आप भी देखिए इस अनूठी परंपरा को। प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में रक्षाबंधन पर्व पर भीलूड़ा में परंपरागत हरिया मेले में आदिवासियों सहित ग्रामीणों ने उत्साह के साथ सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया। मेले में हरिया रस्म के तहत रघुनाथ मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद परंपरागत रस्म की शुरुआत हुई। अंग्रेजी वर्णमाला के टी आकार की लकड़ी हरिया की पूजा अर्चना के बाद रघुनाथ जी मंदिर परिसर में गाढ़ा गया। मंदिर चौक में गढ़े लकड़ी के टी आकार के खूंटे की हरिया पूजा के बाद युवतियों ने रक्षा सूत्र बांधे। इसके बाद आगामी वर्ष के मौसम की भविष्यवाणी जानने की परंपरा हुई, जिसमें अलग अलग समाजों के चार प्रतिनिधि मिट्टी के कलशों में तालाब से पानी भरकर लाए। मिट्टी के कलशों पर वर्षा के मौसम के आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन चारों माह के नाम लिखे हुए थे। कलशों को हरिया की लकड़ी पर फोड़ा और टुकड़ों को इकट्ठा कर देखा गया कि कलश पर लिखे महीनों के नामों के कितने अक्षर सुरक्षित हैं और कितने टूट चुके हैं। माह के प्रत्येक अक्षर को 10 दिन का मानकर देखा गया कि अगले वर्ष का वर्षा योग क्या है। जितने शब्द टूटे हुए होते हैं उतने दिन वर्षा योग मानकर आगामी वर्ष के वर्षा योग की घोषणा की जाती है। पांचों समाजों के लोग तालाब से पानी भर करके कोड़े गणों के अंदर भर करके लाते हैं, उसके परिक्रमा करने के बाद में उस हल्दर के ऊपर जो लोग गड़े फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद में उन टुकड़ों को इकट्ठा करके फिर उसकी हम गिनती करते हैं और गिनती करने के बाद में जो टुकड़े पे जो शब्द सही दिखता है वो जो है इसको हम उस महीने के उस दिन में बरसात को गिनते हैं। हालिया परंपरा के अनुसार आगामी वर्ष के वर्षा योग का आंकलन करते हुए बताया कि अगले साल आषाढ़ के पहले 10 दिन बरसात होगी, शेष दिनों में सूखा होगा। श्रावण के पहले 20 दिन वर्षा और 10 दिन सूखा। भाद्रपद के पहले 10 दिन वर्षा और बाद में 10 दिन सूखा, फिर 10 दिन वर्षा होगी। अश्विन माह में पिछले 20 दिन सूखा और बाकी 10 दिन बरसात की संभावना जताई गई। आषाढ़ माह के पहले 10 दिन जो इसके अंदर जो है वो बरसात होगी और अगले 20 दिन जो है वो बिल्कुल सामान्य रहेंगे। उसी तरीके से सावन के पहले 20 दिन 10 दिन बरसात होगी, फिर उसके बाद में 5 दिन जो है वो सामान्य है, फिर 10 दिन अच्छी बरसात होगी और 5 दिन फिर बाद के सामान्य है। इधर मौसम के भविष्यवाणी से पहले गांव के ही बरंडा परिवार के बुजुर्ग नाचते हुए हरिया की परिक्रमा के बाद जय घोष के बीच हरिये को उखाड़ लिया। मंदिर में दर्शनों के बाद मंदिर परिसर के बाहर आकर हरिया को युवकों को थमा दिया। दो पक्षों में बटे उत्साही युवाओं ने अपना जोश दिखाया। आगे पीछे खींचते हुए उत्साह, उमंग और भारी हुजूम के साथ हरिया को लेकर लक्ष्मी नारायण मंदिर तक गए। इस दौरान समूचे मार्ग पर श्रद्धालु मौजूद थे। कैतूहल और उत्सुकता वाले इस खींचातानी के अनूठे नजारे को देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। गाँव में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस साल भी गांव को लोगों ने अपनी इस परंपरा का निर्वहन किया।
अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।